हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हाँ आपको क्या बताया था कि क्रैश कोर्स में और गेनिंग से बहुत सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मॉडल आयुपैक नेम को, मतलब कि पिछले कुछ सालों से पूछे गए क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस बैंक में पढ़े हैं उसका हम आपका रिविज़न करवाएंगे, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उस तरह से दूसरे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। आयुपैक से क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल ही आयुपैक से लॉन्ग आंसर का 1 और शॉर्ट आंसर का 1 क्वेश्चन आया था, अप्रॉक्सीमेट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो हर साल 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ गया था, तो आयुपैक पे ध्यान देना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने बोर्ड पर है, तो इस वीडियो में स्पेशल हम लोग फोकस करेंगे आयुपैक पर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आयुपैक है क्या, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आयुपैक एक नेमिंग सिस्टम है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, नेमिंग करना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या न्यू एलिमेंट्स का जो सर्च होता है उसका भी नेमिंग कौन करता है, आयुपैक। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन टू राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नेमिंग करता है, ठीक है। तो ये नेमिंग कैसे करता है, ये मोस्टली नेमिंग करता है फंक्शनल ग्रुप को कलेक्ट करके ये नेमिंग करता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप का डेटा हम आपको लिखवाएंगे, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, ये जो क्वेश्चंस है ये इसी साल के फाइनल ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। इसी तरह से हम आपको पिछले कुछ सालों का कलेक्शन हम आपको देंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखेंगे, ये पूछा गया सारा क्वेश्चंस है 2024, दैट मीन्स इसी साल, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में पूछा गया था और ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे, ये है CH3CHOH एंड COOH। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को पिक करना है। तो यहाँ दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका कार्बोक्जिलिक एसिड और एक है आपका एल्कोहल, ठीक है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड और एल्कोहल में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे कार्बोक्जिलिक एसिड को और यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। जब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो सफिक्स वर्ड इसी का ऐड करेंगे, मतलब नेमिंग में इसका वर्ड ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4-3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन, और 1 पर है COOH तो 1 ओइक लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ओइक एसिड, क्या लिख सकते हैं, ओइक एसिड। ये तो इसका हो गया प्रोपेनोइक एसिड, पर 2 कार्बन पर OH जो है वो अलग हुआ है, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। OH का सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सेकेंड कार्बन से ये सेपरेट हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये रहा फर्स्ट का, सेकेंड वाले एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखो आयुपैक करना क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पिक करना है, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करना है, ठीक है। इस पे देखो तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, इस पे फंक्शनल ग्रुप है COOH और दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम किसी भी कॉर्नर से काउंटिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4, बहुत आसान है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पर है, फर्स्ट और फोर्थ पे है ओइक एसिड, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई ओइक एसिड, तो बहुत आसान है। फिर से देखो 1, 2, 3, 4, या यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, 1, 4 डाई ओइक एसिड, है ना आसान। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कार्बोक्जिलिक एसिड से रिलेटेड है तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फंक्शनल ग्रुप पिक करेंगे, ये रहा फंक्शनल ग्रुप COOH, और ये एक प्रीफिक्स ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो कार्बन को काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, ये हो जाएगा 1, ये 2 एंड 3, ये हमारा पैरेंट चेन बन गया, और ये एक सब्स्टिट्यूट है तो इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, क्लोरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए, क्लोरो। तो 2 से सेपरेट हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, और ये 1, 2, 3 के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही प्रोपेनोइक एसिड, ये देखो प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। सेम इसी तरह का ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप पर फोकस करेंगे, लुक एट दी, ये रहा फंक्शनल ग्रुप COOH, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1, तो ध्यान देंगे ये 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर है। और कोई भी इसमें सफिक्स ग्रुप नहीं है, एक ये है,
तो इसके लिए ऐड करेंगे इन, तो फोर कार्बन के लिए क्या आ जाता है, ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो क्या आ जाएगा टू इन, और इसके लिए वन लिख सकते हैं, वन ना भी लिखे तो भी है, इसका नाम क्या आ जाएगा ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनोइक एसिड। इस वाले में देखते हैं बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप को पिक करना है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड, और ये रहा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कार्बोक्जिलिक एसिड और कीटोन, तो इन दोनों को, दोनों में से हम इसको प्राइमरी बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, तो कीटोन का सफिक्स होता है ओन और प्रीफिक्स होता है कीटो, इसका हम डेटा तुरंत आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री एंड फोर, और इसका नाम हो जाएगा थ्री कीटो, थ्री इसके लिए कीटो, और हमारे पेरेंट चेन में फोर कार्बन है, तो फोर कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। कीटो लिखते हैं कीटोन के लिए, या ऑक्सो वर्ड भी यूज करते हैं हम, इसका एक और नाम लिख सकते हैं थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इस वाले में देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये पूछा गया, दोनों क्वेश्चन अल्कोहल से रिलेटेड है, तो बहुत आसान है, आपको फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है। ये देखो फंक्शनल ग्रुप OH, ये देखो फंक्शनल ग्रुप OH, इसमें कार्बन नहीं है तो जस्ट इसके पास वाले कार्बन से काउंटिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वन टू थ्री, टू के बाद थ्री, यहाँ भी जा सकते थे यहाँ भी जा सकते हैं, ये बन गया पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब ये जो बाहर हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में मिथाइल लिखते हैं, टू मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे टू टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, टू मिथाइल टू मिथाइल टू टू डाई मिथाइल, और थ्री कार्बन के लिए हो जाएगा आपका प्रोपेन, और इस बार OH है तो वन ऑल लिख सकते हैं, वन लिखे तो भी वन पर है, ना लिखे तो भी वन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। इस वाले में सेम उसी तरह का कहानी है, ध्यान देना है OH यहाँ है और यहाँ भी एक OH है, तो बहुत आसान है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री एंड फोर, काउंटिंग हम सिर्फ कार्बन की करते हैं, और कोई भी प्रीफिक्स ग्रुप नहीं है, सफिक्स ग्रुप OH भी है, OH भी है, जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन की तरह, यहाँ भी सफिक्स था यहाँ भी सफिक्स था, तो दोनों को हम लिखे थे डाई ओइक एसिड, यहाँ भी कुछ उसी तरह का है वन टू थ्री फोर, फोर के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, और ये हो जाएगा वन और थ्री, वन थ्री डाई ऑल, वन थ्री डाई ऑल। तो ये रहा आपका इस साल पूछे गए सारे IUPAC का आंसर सीट। तो आपको क्या करना है, हम ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, हो सकता है फंक्शनल ग्रुप COOH के जगह पर एस्टर ग्रुप हो COOR हो, या फिर OH के जगह पर तुम्हारा एसिल क्लोराइड हो COCl हो, तो हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप को पिक करते हुए कार्बन को काउंट करना है और उसका वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। हम आपको फंक्शनल ग्रुप और उसका वर्ड लिखवाएंगे, तब तक इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, पास करना। तो ये था आपका प्रीवियस इसी साल पूछे गए क्वेश्चंस का IUPAC, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम आपको ये फंक्शनल ग्रुप का डेटा लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो ये देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और IUPAC करते समय बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप का कुछ डेटा, जिसको हम ट्रिक से लिखवाए हैं कैसे एनक आए, कैसे मीन्स CSE को क्या लिखे हैं कैसे, और उसके बाद डबल ANA के एनक और डबल AEY आए, जहाँ पर फर्स्ट आपको सिमिलर लेटर नज़र आ रहा है वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट यूज कर लेंगे, मतलब एक तरह से ये ऑर्डर है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर होगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप नीचे। अगर मान लेते हैं एग्जामिनेशन में एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हम किस फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी बनाएंगे और किस फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी, इस पर भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल आप कुछ फंक्शनल ग्रुप का डेटा देखिए, ये रहा COOH कार्बोक्जिलिक एसिड, 12th में सबसे ऊपर है, और अगर ये रहे तो आप आसानी से इसके लिए क्या लगाएंगे ओइक एसिड, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए ओइक एसिड, सफिक्स के तौर पर ओइक एसिड यूज़ करेंगे और प्रीफिक्स के तौर पर कार्बोक्सी यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तब आपको इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कार्बन का मेन चेन तो लिखते ही हैं,
फंक्शनल ग्रुप के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, सफिक्स बाद में, प्रीफिक्स पहले, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर सी डबल ओ एच के लिए सफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे तो ओ ई का, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो कार्बोक्सी। दूसरे नंबर पे है एस ओ थ्री एस, सल्फोनिक एसिड, इसका बहुत कम ही यूज है। इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों सेम है, और सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स इसका सल्फो होता है। वेट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो। क्या होगा? सल्फो, ठीक है। तो अगर एस ओ थ्री एच अगर फंक्शनल ग्रुप हमको मिल गया तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे सल्फो। उसी तरह से एस्टर है, सी डब्लो आर होता है, उसका फॉर्मूला ओ एट यूज करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ओ एट, और प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। तो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स वर्ड, उसका प्रीफिक्स। फिर से एक बार रिविजन करवा दे रहे हैं, सी ओ सी एल के लिए ओएल क्लोराइड, प्रीफिक्स के तौर पे क्लोरोफॉर्मिल, सी ओ एन एस टू के लिए अमाइड कार्बोमाइल, सी एन के लिए नाइट्राइल साइनो, प्रीफिक्स के तौर पे साइनो यूज़ करेंगे, सी एच ओ के लिए अल, प्रीफिक्स के तौर पे दो वर्ड है अल्डो या फॉर्मिल, सी ओ के लिए ओन कीटोन है, सी ओ किसका है? कीटोन, कीटोन के लिए सी ओ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऐड करेंगे ओन, और प्रीफिक्स होगा कीटो या ऑक्सो। उसी तरह से एल्कोहल के लिए ओ एच, ये तो काफ़ी फेमस है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ओ एच, इसके लिए सफिक्स वर्ड होगा ऑल, मतलब कि ऐड करेंगे बाद में वर्ड ऑल, और पहले अगर कोई वर्ड ऐड करना हो तो हाइड्रोक्सी, काफ़ी यूजफुल है एल्कोहल। उसी तरह से है अमाइन, ए होता है, फंक्शनल ग्रुप इसका एन एच टू, अगर ये रहे कार्बन चैन के साथ तो क्या ऐड करेंगे? अमाइन, और अगर कभी ज़रूरत पड़ गया प्रीफिक्स का तो क्या यूज़ करेंगे? अमीनो, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं जैसे अभी थोड़ा देर पहले किए थे। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड मॉडल है, आपसे पूछा गया है, ये 2010 में यानी 2010 में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम आपको बता चुके कि आईपैक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एक दो मार्क्स का, लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, फिर शॉर्ट आंसर होंगे। तो देखिए क्या करना है, ये है कुछ एग्जाम्पल्स, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। CH3CONH2, ठीक है, आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। ये देखिए CONH2 है, ठीक है, CONH2 अगर हम ध्यान दें तो CONH2, वेट, CONH2, ये देखो CONH2 मिल गया ना, अमाइड, ठीक है। तो CONH2 को हम प्रैक्टिस करेंगे, CONH2 अमाइड है, तो कार्बन काउंट कर लेंगे 1 एंड 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथेन, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या? अमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड, है ना आसान। फंक्शनल ग्रुप को पिक करना है, नेमिंग करना है, 1 2 कार्बन के लिए क्या होगा? इथेन, और CONH2 के लिए क्या ऐड करेंगे? अमाइड। इस वाले को देखेंगे, ये थोड़ा कार्बन इस तरह से लिखा हुआ है, इसको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है ये देखो, CH3 का ट्वाइस है, मतलब कि CH का दोनों ब्रांच होगा, यानी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। CH3 का ट्वाइस है CH है, और सामने है CH2 है, और फिर है COCl है, ठीक है, इस तरह का। क्या बोले थे? फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना, ये रहा फंक्शनल ग्रुप COCl, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, ये हमारा पेरेंट चैन, आउट ऑफ चैन कौन चला गया? CH3, तो क्या कहते हैं इसको लिख देने के लिए? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, 3 मिथाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, और COCl के लिए क्या ऐड होता है? ओएल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो क्या होगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा, 3-methyl-butanoyl chloride। ये देखो COCl फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखिए COCl के लिए कौन सा वर्ड यूज किए हैं? COCl, COCl के लिए क्या यूज होता है? ऑयल क्लोराइड, क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। तो ऐसे ही क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप इसमें से पिक करना है और ये वाला वर्ड ऐड कर देना है, ज़रूरत पड़ने पर प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो हम आपको बता देंगे प्रैक्टिस पर कि कब इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, ये रहा आपका COCl के लिए क्या ऐड किए? ऑयल क्लोराइड। अब इसको देखते हैं, इस वाले में आपको दिखाई देगा कार्बन का दो अलग अलग चैन, इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो पेरेंट चैन में हमेशा लॉन्ग कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही C2H5 को पेरेंट चैन सेलेक्ट किए, ये हमारा एक प्रीफिक्स ग्रुप हो गया,
OCH3 जिसको मिथॉक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे वही मिथॉक्सी, और ये टू कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि एक प्रीफिक्स ग्रुप है। ये OCH3 कौन सा ग्रुप है, प्रीफिक्स ग्रुप है, जिसका नाम क्या आता है, मिथॉक्सी, यानी मिथॉक्सी इथेन। ये देखिए बहुत आसान है, फंक्शनल ग्रुप फिर नज़र आ गया CN, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से आपको बता दें CN कहाँ है, ये रहा CN के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाइट्राइल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नाइट्राइल। तो ये देखिए CN है हमारे पास, काउंटिंग कीजिए कार्बन का 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और आप इसके लिए ऐड कर दीजिए नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। आप इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइनोइथेन, क्या लिख सकते हैं, साइनोइथेन, पर एक ही मेथड रखिए ज़्यादा बेटर होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर ध्यान देना है, बहुत आसानी से बनेगा ये। इसमें जहाँ भी हाइड है पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे कार्बन छुपा होता है हाइड्रोजन के साथ, यानी इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें तो ये देखिए यहाँ है सी, यहाँ भी है सी, फिर यहाँ है सी, इसके नीचे है सी, सामने है सी, फिर यहाँ है सी, और ये रहा COOH, यानी कितना कार्बन हाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, थर्ड पर एक और कार्बन है, ये देखो एक और कार्बन है, बैलेंस कर देते इसको, ये हो जाएगा 3, 2, क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही 4 होता है, उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहे हैं, 1, 3, 2, 2। नेमिंग करना बहुत आसान है, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये रहा पेरेंट चैन। आउट ऑफ चैन CH3 4 कार्बन पे है, देखिए यहाँ भी 3 कार्बन पे था तो 3 मिथाइल लिखे थे, यहाँ 4th कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्सेन, क्या होता है, हेक्सेन, और COOH के लिए बहुत अच्छा क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो ये रहा बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, आप इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, पिछले साल ज़्यादा पूछा था, इस साल कम पूछेगा, पूछेगा। फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस है IUPAC का जो पूछा गया था 2020 यानी 2020, ठीक है, 2-3 साल पहले का कुछ क्वेश्चंस है, इसको देख लेते कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आया, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था, यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। तो पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, ज़्यादा कार्बन वाले को पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स ग्रुप जिसको मिथॉक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथेन, इथेन मिथॉक्सी इथेन। उस पिछले वाले में ये इधर था ये इधर था, उससे टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा कार्बन को पेरेंट चैन सेलेक्ट करना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। इस वाले में पहचानिए फंक्शनल ग्रुप को, ये रहा फंक्शनल ग्रुप CONH2, जाकर देखिए डेटा में CONH2 अमाइड ऐड होता है, क्या ऐड होता है, अमाइड। तो बहुत आसान है, 1, 2 एंड 3, ये रहा हमारा पेरेंट चैन का कार्बन, और ये प्रीफिक्स, तो 2, वेट इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, अच्छा से बना लो अच्छे से, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। हाइलोजन्स 5 होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एक एस्टेटीन होता है, एस्टेटीन का यूज़ नहीं है, तो अगर यहाँ ब्रोमो रहेगा तो सॉरी ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, ऐसे यूज करेंगे। तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, और अमाइड के लिए क्या लगता है, अमाइड ही सफिक्स लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन पे नज़र आते हैं, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये जो है N, एक्चुअल में ये अमाइड ग्रुप है जिसका फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, लेकिन इसमें एक ब्रांच होंगे कार्बन के तो NH2 होता है, पर यहाँ कार्बन के अलग अलग ब्रांच है। तो क्या बताए थे कि जब भी कार्बन का अलग अलग ब्रांच है तो आप किसी एक को सेलेक्ट कीजिए पेरेंट चैन में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, तो सेलेक्ट होगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है और ये दोनों कार्बन 1-1 है, तो अलग हो गया ये 2 कार्बन इथेन। अब ये जो बाहर हो गया है तो इसका पोजीशन N से बाहर हुआ है, ये इससे पहले ये कार्बन के चैन से बाहर होता था तो लिखते थे 2 मिथाइल 3 मिथाइल,
इस बार ये फंक्शनल ग्रुप N से बाहर हुआ है तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। जैसे कैसे कार्बन से हुआ करता था तो लिखते थे टू टू डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल। और ये हमारा पैरेंट चैन, पैरेंट चैन में टू कार्बन है तो क्या होगा इथेन, क्या होगा इथेन। और एन एच टू से ही ये बना है तो सफिक्स तो इसी का लगेगा, एन एच टू का होता है अमाइन, क्या होता है अमाइन, यानी इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल इथेना माइन, एन एन डाई मिथाइल इथेना माइन। तो ये है इस 2020 के पूछे गए क्वेश्चन। तो इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे, इतना सारा बनाने के बाद आपका सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्या कीजिए, सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को बना लीजिए, क्योंकि अब समय कम है तो कमर कस लीजिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज का सेशन इस वीडियो में सिर्फ हम आईयूपीएक पे फोकस किए थे, तो ऑर्गेनिक में हम आप लोगों को पहले भी दो वीडियो बता चुके हैं। पार्ट वन में कुछ 4 या 5 क्वेश्चन कलेक्ट करके दिए थे जो चैप्टर हैलोलोगेन हैलोजन से था, पार्ट टू में भी हैलोलोगेन हैलोजन से था, पार्ट थ्री वीडियो में आईयूपीएक से रिलेटेड है, और इसी तरह से पार्ट फोर पार्ट फाइव, यानी टोटल ऑर्गेनिक के पार्ट 10 वीडियो बनाएंगे, 10 उसी तरह से इनऑर्गेनिक के बनाएंगे, और 10 वीडियोस लगभग फिजिकल के बनाएंगे, यानी 30 वीडियोस, 30-30 मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट में आपका पूरा केमिस्ट्री 70 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि अब समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो हम चाहेंगे कि आप पूरा किताब पढ़िए, लेकिन ये सब नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।